दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार को लेकर कुछ मेजर बड़ी अपडेट्स मिली थी, तो मुझे लगा ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। इन अपडेट्स में सालार की न्यू रिलीज डेट भी है भाई साहब। अब गाइस, इससे पहले कि मैं आपको अपडेट बताऊं, उससे पहले आप सबको बता दिए, सालार फिल्म के अंदर जो लेडी एक्ट्रेसेस हैं वो हैं श्रुति हसन। उनका एक इंटरव्यू है, जरा वो सुनिए। श्रुति हसन जैसे ही प्रभास का नाम लेती हैं तो भाई साहब क्राउड जो चिल्लाने लगता है। तो यहां से गाइस साफ साफ क्लियर होता है कि भाई डार्लिंग की जो फैन फॉलोइंग है ना भाई, वो बहुत ज्यादा है और बहुत ही कमाल है। बाकी गाइस, श्रुति हसन प्रभास के भी बारे में बोलती हैं, सालार के भी बारे में बोलती है, लार्जर देन लाइफ, मतलब कि भाई एक फिल्म, मतलब देखिए ना, श्रुति हसन ने काम किया है फिल्म के अंदर तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि किस टाइप की फिल्म है। खैर, सारी बातें छोड़कर हम चलते हैं कि अपडेट्स क्या है। लेकिन अपडेट बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले, जब गाइस सालार पोस्टपोन हुई थी, यानी कि जब जवान का ट्रेलर आया था तब, तो जब पोस्टपोन हुई थी तो ये न्यूज निकल कर आई थी कि पोस्टपोन होने के पीछे जो मेन रीजन है वो है पोस्ट प्रोडक्शन का काम। यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी रहता है, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट है लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है, जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया। लेकिन अब आके सालार फिल्म के अंदर कुछ सीन्स को रीशूट किया जा रहा है। आई डोंट नो वाई, मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन जस्ट ये न्यूज आई है कि सालार के कुछ सीन्स को रीशूट किया जा रहा है। इन सीन्स के अंदर सालार के क्लाइमैक्स का भी कोई सीन है। अब गाइज, मे बी प्रशांत नील क्लाइमैक्स के सीन्स को बड़ा करना चाह रहे हैं या फिर कोई चेंजिंग्स लाना चाह रहे हैं, अब नहीं पता। लेकिन इतनी न्यूज आई है कि कुछ सीन्स रीशूट हो रहे हैं जिनमें क्लाइमैक्स का भी सीन है। और गाइज, आपने पिक्चर भी देखी होगी, मैं यहां पे आपको शो नहीं करा रहा, लेकिन एक पिक्चर आई हुई है जिसमें मतलब दिखाया गया है कि सालार की शूटिंग दोबारा हो रही है कुछ सीन्स की। अब गाइज, ये जो सारा सिनेरियो हो रहा है, इसके बाद जो न्यू रिलीज डेट है वो भाई साहब है 2024। ये बात अपने माइंड से निकाल दे कि 2023 में आएगी, क्योंकि कुछ भाई अभी भी मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई 2023 में भी 2nd of November है, में भी 10th of November है, में भी दिसंबर है। तो गाइस 2023 में इम्पॉसिबल है, खुद सोचे भाई साहब। अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी रहता है और अब तो कुछ सीन रीशूट हो रहे हैं, रीशूट होकर जब वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो वो कब आएंगे, और नवंबर आने में तो बस गाइस अभी समझिए कि सितंबर तो एंड है, अक्टूबर का पूरा महीना है और उसके बाद तो भाई नवंबर आया हुआ है, मतलब एक महीना है, एक महीने में क्या क्या करेंगे प्रशांत नील, तो इम्पॉसिबल है भाई साहब। तो दैट्स व्हाई गाइस जो न्यू रिलीज डेट है वो है फिलहाल मार्च 2024। अब मार्च 2024 से पहले इम्पॉसिबल है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं नवंबर की तो भाई साहब नवंबर में टाइगर 3 है, एनिमल है। बात करता हूं दिसंबर की तो गाइस डंकी है। बात करता हूं 2024 फर्स्ट मंथ जनवरी की, संस्क्रांति की, तो भाई तेलुगु के ही स्टार सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म है। और याद रखिए, एक इंडस्ट्री की दो बड़ी फिल्में कभी भी क्लैश नहीं कर सकती। यानी कि तेलुगु की ही फिल्म है ना, सुपरस्टार महेश बाबू तेलुगु के ही हैं, तो उनकी फिल्म संस्क्रांति पे आ रही है, तो सालार यानी कि प्रभास भी तेलुगु के हैं, तो नहीं, इन दोनों की मूवीज कभी भी क्लैश नहीं करेंगे। हाँ, एक तमिल से होता या एक हिंदी से होता और प्रभास के साथ क्लैश करता तो बनता था, लेकिन दो बड़ी मूवीज गाइस कभी भी एक ही डेट पे या मंथ पे क्लैश नहीं करते हैं। और ऊपर से फिर जनवरी के मंथ में और इम्पॉसिबल है, रीजन भाई साहब बॉलीवुड की ही फिल्म फाइटर ने भी आना है। फरवरी का मंथ फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइटर में को देखने में गुजर जाएगा। फिर गाइस आता है मार्च, तो मेरी नजर में मार्च, फरवरी या मार्च, इन दो मंथ में से कोई एक मंथ ही होगा जिसमें हमें सालार देखने को मिलने वाली है। अभी जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे पास सोर्सेज हैं, सबने मार्च 2024 ही बोला है, यानी कि 2024 बोला है, जहां से एक बात तो क्लियर है 2023 में नहीं आने वाली। सो वेट एंड वॉच, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मेकर्स का वेट है बेसब्री के साथ, कब न्यू रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। मेकर्स ने आजकल वो जो व्हाट्सएप का न्यू गाइस फीचर आया है कि वो चैनल्स बनते हैं, तो ओम्बले फिल्म्स ने लगाया हुआ था कि सालार की एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ओम्बले फिल्म्स को ज्वाइन कर,
लें। मैंने तो कर लिया, 3-4 दिन हो गए, कोई एक्सक्लूसिव अपडेट फिलहाल तो गाइज नहीं आई है। बाकी कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भाई प्रभास की बर्थडे यानी कि 23rd of October को ट्रेलर आएगा, तो भाई न्यू रिलीज डेट ही आ जाए बड़ी बात है, आप ट्रेलर पे बैठे हो, कोई ट्रेलर नहीं आने वाला भाई। 23rd of October को चांसेस हैं कि मे बी प्रभास की बर्थडे पे सालार की न्यू रिलीज डेट को अनाउंस किया जाए विद न्यू पोस्टर। और इस बार प्रशांत नील से रिक्वेस्ट है मेरी जान के भाई पोस्टर के साथ न्यू रिलीज डेट अनाउंस करिएगा, ऐसी ही नहीं। सो वेट एंड वॉच, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, होप सबको अपडेट पसंद, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रगलिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।